कूली नंबर वन में हमने देखा था करिश्मा कपूर को, और उसके बाद हम सारा अली खान को नहीं देख पाए क्योंकि करिश्मा कपूर की एक्टिंग कुछ ऐसी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि करिश्मा कपूर की बहन की एक्टिंग कैसी है? जी हाँ, मैं करीना कपूर की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो मुद्दा छिड़ा है वो ये है कि क्यों उन्होंने कहो ना प्यार एक मूवी को लात मारी, यानी कि कहो ना प्यार है मूवी को छोड़ा और मूवी की कुछ और। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, खमागिनी केम शो के रोहाल का सकाय, मैं हूँ करण रजानी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड की खबरें लगातार हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें नोटिफिकेशन के लिए। बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर कोई इतना ज्यादा ऊपर चला जाता है कि बाद में नीचे आने का नाम नहीं लेता, और कितना ज्यादा भी वो नीचे चला जाए उसके बाद वो ऊपर आने का नाम नहीं लेता, क्योंकि यहां पर जो डूबा सो डूबा कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। ऐसा ही कुछ चल रहा है यहां पर करीना कपूर के साथ में, जिन्होंने करो ना प्यार है जब उनको एक ऑफर मिला था 2000 साल की बात कर रहा हूं मैं आपको, ऋतिक रोशन ने शुरुआत की थी, ऋतिक रोशन की पहली मूवी थी। तब किसी को पता नहीं था कि ऋतिक रोशन एक पावर पैक परफॉर्मेंस निकलेंगे। उसके बाद उन्होंने इतनी सारी मूवीज कर दी जिसमें डांस को लेकर, बॉडी को लेकर, उनके फिजिक्स को लेकर, उनकी एक्टिंग को लेकर, उनके गाने को लेकर, उनकी सारी चीज़ों को लेकर एक कहा कि ये एक पावर पैक धमाका है जहां पर फुल एक पैक्ड चीज़ आपको मिलती है। लेकिन ऐसे में आपको बता दूं कि कहो ना प्यार है में करीना कपूर को ऑफर मिला था, और उसके बाद करीना कपूर ने जैसे ही ऑफर को ठुकराया तो मिल गया ये ऑफर अमीषा पटेल को। लेकिन करीना कपूर ने ये ऑफर क्यों ठुकराया? आपको याद होगा 2000 में ही ये एक मूवी आई थी रेफ्यूजी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो एक जगह अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कहो ना प्यारे की, और एक जगह मैं आपको तस्वीर दिखाऊं रेफ्यूजी की, तो आप देख सकते हैं कहो ना प्यारे में ऋतिक रोशन के साथ यहाँ पर है अमीषा पटेल, जो कि अश्मित पटेल की बहन है। और दूसरी ओर अगर आप देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिषेक बच्चन के साथ में करीना कपूर को रेफ्यूजी मूवी में। जी हाँ, रेफ्यूजी मूवी उनको करनी थी और इसलिए उन्होंने ठुकरा दिया जो कि है ऑफर ऑफ कहो ना प्यार है। अब दोस्तों ये कहीं ना कहीं तो जो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात देखूँ तो रेफ्यूजी मूवी पूरी की पूरी पिट गई और कहो ना प्यार है जो है वो एक टॉप सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर बन गई। लेकिन अगर मैं कहूँ अभिषेक बच्चन, इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि अभिषेक बच्चन की भी ये पहली मूवी थी इसके साथ में करीना कपूर के साथ में, और करीना कपूर की पहली मूवी थी अभिषेक बच्चन के साथ में, तो यहाँ पर दोनों को मौका मिला कि कहीं ना कहीं अपना टैलेंट दिखाए। लेकिन रेफ्यूजी मूवी पूरी फ्लॉप गई, डब्बे में चली गई, और इसकी वजह से जो है अभिषेक का जो करियर है वो थोड़ा बहुत पीछे चला गया। लेकिन डूबते डूबते यहां पर जो है तैरने लगी करीना कपूर। जी हाँ, करीना कपूर जो है कहां से कहां पहुंच गई, चाहे वो मूवी जो है वो एक सुपर डुपर हिट ना बनी हो, एक फ्लॉप बनी हो, लेकिन अभिषेक बच्चन का तो करियर नहीं बन पाया, लेकिन करीना कपूर का करियर जो है वो काफी ज्यादा बन गया रेफ्यूजी की वजह से। अब आप सोचें दोस्तों, क्यों रेफ्यूजी में आपने उनको इतना सारा और क्यों आपने अभी तक करीना कपूर को लाया, और उसके बाद उन्होंने सैफ अली खान से शादी करके बनी वो करीना कपूर खान? आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मैं हूं एंकर करण रजानी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। टेक केयर एंड गुड बाय।